फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, वाक्य के अंत में गागी गे आदि शब्द आते हैं, लेकिन इंडेफिनिट की पहचान थी तातीते। लेकिन अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में तातीते प्लस गागी गे आते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट यूजुअली नहीं कहलाते, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसको फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह नहीं बनाते, इसको बनाने के लिए कुछ अलग अलग ही नियम है। जैसे तातीते प्लस होगा आ गया तो इसका मतलब होता है अनुमान लगा रहे हो आप। अब ये समझिए, मैंने बताया टाइम होता है, कोई टाइम था पर इसमें यहाँ हमने कोई लाइन खींच दी, तो इस लाइन के बाद जो भी काम होगा वो सब फ्यूचर में होगा, और जो हो चुका है यहाँ तक वो सब पास्ट होता था, मैं बताया था। अब फ्यूचर का मतलब वो यहाँ जो काम होने वाला है, ये हमारा आज है, आज के बाद जो काम होगा ये सब फ्यूचर होगा। ये देखते हैं, जैसे तुम उससे लड़ते होगे, अब लड़ने का काम, हम यहाँ बैठे हैं, अब हम सोच रहे हैं तुम उससे लड़ते होगे, तो यहाँ हमने उसको देखा तो नहीं, हम धारणा बना के चल रहे हैं ऐसा हुआ होगा, तुम उससे लड़ते होगे, दो चार बार आप उससे लड़े होगे तभी, यानी आपके खिलाफ कोई पुलिस केस हो गया है, गाँव के लोग सोच रहे हैं कि तुम उससे लड़ते होगे तभी उसने कंप्लेन किया पुलिस ने। तो लड़ने का काम आप फ्यूचर में कर रहे हो या पास्ट में किया होगा आपने, ये समझने वाली बात है। आप लड़ते होगे, हम अनुमान लगा रहे हैं कि आपने पास्ट में ऐसा किया होगा, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो वो काम यहाँ होता, लेकिन ये काम यहाँ हो रहा है, अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ विल की जगह वर्ड का यूज होगा। अगर आप यहाँ विल की यूज करते हो तो वो इस जगह पर कहलाएगा। इन दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस सोचने का ही है। फिलहाल ये सब देख लेते हैं। यू वुड फाइट हिम, आप उससे लड़ते होगे, और यू विल फाइट हिम, आप उससे लड़ोगे, क्योंकि लड़ने का काम आज के यहाँ के बाद होगा, तो यू यू विल फाइट हिम, आप उससे लड़ोगे, और प्रेजेंट के थोड़े दिन बाद आप उससे लड़ सकते हो, हो सकता है 1 सेकंड बाद, 1 दिन बाद या 4 दिन बाद, पर मैंने आपको बोल दिया आप उससे लड़ोगे, और यू वुड फाइट हिम, आप उससे लड़ते होगे, और फ्यूचर में हो सकता है, जो पास्ट में हो सकता है आप उससे कहीं लड़े हो। इन दोनों में यही अंतर है, इसलिए ता होगा ती होगी, अनुमान लगाने के काम आते हैं, भले ही ऐसा होता हो या ना होता हो। बोलिए, जैसे तुम उससे लड़ोगे, यू विल फाइट विद हिम, लड़ोगे मतलब लाइन है, इस लाइन के फ्यूचर में आप उससे लड़ोगे। वो आपको अक्सर ऐसे बेवकूफ़ बनाता होगा, आपको आज आज आपको पता चल गया कि उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, तो कोई बंदा आपको बोल रहा है तो ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाता होगा, तो काफ़ी बार उसने बेवकूफ़ बनाया है, तो बेवकूफ़ बनाने का काम यहाँ पास्ट में हुआ होगा, समझ रहे हो ना, फ्यूचर में तो नहीं होगा, पास्ट में होगा, इसलिए हम यहाँ वुड का यूज करेंगे। वह अपने घर में रहता होगा, रहने का काम यहाँ किया है ना कि यहाँ, वह अपने घर में रहेगा, अब के बाद यहाँ हो सकता है उसके बाद उसने गया नया घर ले लिया हो, पहले वह किराए पर रहता था तो अब वह अपने घर में रहेगा, तो ये फ्यूचर हो गया, वह अपने घर में रहता होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको सड़क पर या किराए पर नहीं देखा, या उसके पास पैसा है, वो अपने घर में ही रहता होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए वुड का यूज होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और वुड में थोड़ा यही अंतर है। जैसे राहुल दिल्ली में भी सभी से ऐसे ही हंसी मजाक करता होगा, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसी मजाक करता है, मैंने देखा है उसके, मैं उसके साथ रहा हूँ, वो मेरे साथ यहाँ मजाक करता है, तो दिल्ली में जहाँ रह रहा है वहाँ भी उनके साथ ऐसा मजाक कर रहा होगा या करता होगा, करे कर करेगा नहीं, मतलब फ्यूचर में दिल्ली जाके वो नहीं करेगा, फिलहाल वो दिल्ली में ही है, हंसी मजाक कर रहा होगा, मैं यहाँ से अनुमान लगा रहा हूँ, इसलिए राहुल वुड फन सच लाइक दिस इवन इन दिल्ली, दिल्ली में भी ऐसे करता होगा वो, क्योंकि यहाँ उसने किया है। वह कुछ भी काम कर लेती होगी, क्योंकि वो सब तरह का काम कर लेती है, इसलिए कुछ भी काम कर लेती होगी, मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ। वह कुछ भी काम कर लेगी, मतलब वो अब भी कुछ काम कर लेती हो, फ्यूचर में भी तो वो कर लेगी, तो कर लेगी तो विल लगेगा, और कर लेती होगी तो वुड लगेगा। शी वुड डू एनी थिंग इन जॉब या वर्क, आप पक्का दिल्ली में रहते होगे। अब ये देखिए, यू मस्ट हैव लिव्ड इन दिल्ली, अब हम अनुमान ना लगा के पक्का बोल रहे हैं, हमें पता है वो दिल्ली में रहता होगा, लेकिन इतना भी श्योर नहीं है कि वो दिल्ली में ही है, थोड़ा बहुत अनुमान तो है लेकिन पक्का अनुमान है, तो वहाँ वुड की जगह मस्ट का यूज होगा। जैसे आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, तो यू मस्ट हैव हियर्ड माई नेम, आपने मेरा नाम सुना होगा, यू मे हैव हियर्ड माई नेम, मे माइट हैव, ये सब कैसे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं बेहतरीन ढंग से समझेंगे, फिलहाल के लिए इन सबको यहीं स्किप करते हैं, वापस आते हैं। फॉर असर्टिव, असर्टिव दे रखा है यहाँ पे, अफर्मेटिव नहीं दे रखा, असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव दोनों होते हैं, असर्टिव यानी असर्टिव जो होता है नेगेटिव और अफर्मेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने यहाँ असर्टिव इसलिए लिख रखा है क्योंकि अब आने वाले सभी सेंटेंसेस में नेगेटिव और अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होने वाला है सेम होने वाला है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर था, नेगेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर था, इसलिए मुझको वहाँ अलग देना पड़ता था, लेकिन यहाँ केवल नॉट लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव रहेगा, इसलिए इन दोनों को असर्टिव बोला जाता है। तुम घर आओगे, तुम घर आओगे, ये देखिए ये प्रेजेंट है, इसके बाद में बोल रहा तुम घर आओगे, कल आ सकते हो, परसों आ सकते हो, तुम घर जाओगे है, यू विल गो टू होम, वह कल गोवा जाएगा, ही विल गो टू गोवा टुमारो, तुम उससे बात नहीं करोगे, आज तो बात कर ली, तुम आगे से उससे बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक टू हिम, तुम उससे बात करते होगे, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, यू वुड टॉक टू हिम होगा, तुम उससे बात नहीं करते होगे, यू वुड नॉट टॉक टू मी, सॉरी मी मुझसे दे रखा है, क्या छोड़िए बात हुई है, मैं अपनी पहचान एक दिन खुद बनाऊंगा, फिलहाल मेरी पहचान कोई नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा फ्यूचर में जब मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, तो वन डे आई शैल मेक माई ओन आइडेंटिटी, मेक मेक मीन्स होता बनाना, ये तो डेफिनेट है ही है। वैसे तुम उसे परेशान बिल्कुल नहीं करोगे, अब तक तुमने परेशान कर लिया लेकिन फ्यूचर में उसे आप परेशान नहीं करोगे, तो यू विल नॉट टीज हिम एनी मोर,
बिल्कुल भी, मतलब इसके बाद या एनी मोड बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, तुम उसे परेशान नहीं करते होगे, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम उसे परेशान नहीं करते होगे। वो झूठ बोल रही है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो ऐसा, तो यू वुड नॉट टीज हिम एनी मोर, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, तब वुड का यूज़ कर रहे हैं, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। कल से वह इस घर में नहीं रहेगा, आज तो रह लिया, कल से नहीं रहेगा, फ्यूचर में नहीं रहेगा, तो ही विल नॉट स्टे इन दिस होम फ्रॉम वेरी, मैं कल से, हम जोर देके बोल रहे हैं कल से ही नहीं रहेगा वो, तो वेरी लगा दिया टोटली, वो वेरी मच ये सब लगा देते हैं जोर देने के लिए, तो ही विल नॉट स्टे इन दिस होम फ्रॉम वेरी टुमारो, कल से नहीं रहेगा वो, सीधी बात है, काम ही ऐसा किया उसने। वह इस घर में रहने आएगा, फिलहाल वो इस घर में नहीं रहना, वो फ्यूचर में आएगा। ही विल कम टू स्टे इन दिस होम, वह इस घर में रहता होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है उस घर में रहता होगा, तो ही वुड स्टे इन दिस होम, अनुमान लगाने के लिए वुड का यूज करते हैं। यह गाड़ी पक्का आगरा जाएगी, पक्का के लिए हम 10 to 1 का भी यूज कर लेते हैं, 10 to 1 दैट दिस ट्रेन विल लीव या डिपार्चर टू आगरा, वह पक्का बारिश में भीग जाएगा, हम अनुमान पक्का लगा रहे हैं, वह पक्का बारिश में भीग जाएगा, 10 to 1 दैट ही विल वेट इन रेन, और अवश्य पक्का के लिए हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब उनको चेंज कर देते हैं, जैसे दिस ट्रेन सेल लीव आगरा, यह गाड़ी अवश्य आगरा जाएगी, ये भी होता है, इसको हम आगे से समझेंगे, जहाँ विल होता है वहाँ सेल लगा दो, सेल होता है वहाँ विल लगा दो, तो अवश्य को डिनोट करता है, वैसे यूजली हम सेल का यूज नहीं करते, शेल की जगह पे विल का यूज हर किसी के साथ किया जाता है, वैसे आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में हम सभी के साथ आई विल यू ही शी इट दे कोई भी हो उनके साथ विल का यूज करते हैं, चलता है ये। अब क्या स्टेज शुरू होने वाले वाक्य, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे क्या आप उसे काबू करोगे, विल यू गेट ओवर हिम, गेट ओवर मींस होता है काबू करना, गेट ओवर। क्या आप भी अंग्रेजी बोलना चाहोगे, विल यू ऑल्सो लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहोगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ वर्ड का यूज क्यों किया, हम कोई बात पोलाइट पोलाइट ढंग से बोलते हैं या कोई प्रपोजल देते हैं तो विल की जगह वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, वर्ड के बहुत सारे यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, विल की जगह वर्ड कभी यूज होगा ये सब हम आगे देखेंगे। इसका मतलब ये भी है, क्या आप अंग्रेजी बोलोगे तब भी इसका मतलब यही होता, लेकिन मैंने पहले बता चुका हूँ हमारा सेंस क्लियर कैसे होगा, जब इससे पहले या इसके बाद हम कोई सेंटेंस रखेंगे तब इसका अंग्रेजी में सेंस क्लियर होगा। हिंदी में तो हम पैसा लेते हैं कि बोलना चाहोगे, मतलब अभी तक बोल नहीं है, आप बोलना चाह रहे हो, आप बोलोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे होगे सारे, लीव इट। क्या आप भी मेरे साथ अंग्रेजी बोलना चाहोगे, विल यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश विद मी, क्या आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाओगे, विल यू टेक मी टू द मार्केट विद यू, क्या आप मुझसे 5 मिनट बात करोगे, विल यू या वुड यू टॉक टू मी 5 मिनट या फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। बीच में क्वेश्चन वर्ड आने वाले वाक्य, सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पिक कर लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई लगेगा, इस सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे तुम परसों आगरा क्यों नहीं जाओगे, जवाब दो मुझे, वाई विल यू नॉट गो टू आगरा द डे आफ्टर टुमारो, परसों बोल रहा हूँ उसमें, परसों द डे बिफोर यस्टरडे था, इसमें द डे आफ्टर टुमारो है, परसों मैं कल के बाद जो आने वाला है, वाई विल यू नॉट गो टू आगरा द डे आफ्टर टुमारो, वह अपना काम कब पूरा करेगा, वैन विल ही कम्प्लीट या फिनिश हिज वर्क, पूरा करना की होती है फिनिश या कम्प्लीट। आज आपको खाना कौन देगा, हु विल सर्व यू फीड टूडे, हु विल सर्व यू फूड टूडे, फीड मीन्स खाना खिलाना, खाना सब चीज़ होता है, सर्व मीन्स भी देना परोसना होता है, सर्व सर्व करना परोसना या देना, खाना खाने पे परोसना सर्व। आप बड़ा होकर क्या बनोगे, वाट विल यू बिकम आफ्टर यंग, आफ्टर यंग होता है बड़ा होकर या बड़ा होने के बाद या यंग हो जाने के बाद क्या बनोगे बिकम। इनमें से कौन सी गाड़ी लखनऊ जाएगी, विच ऑफ दीज ट्रेन विल डिपार्चर फॉर लखनऊ, लखनऊ के लिए कौन सी गाड़ी रवाना होगी, आप लखनऊ कौन सी गाड़ी से जाओगी, बाई विच ट्रेन विल यू गो टू लखनऊ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे पहले या बाद में यूजुअली प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, उसको सबसे लास्ट में यूज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे बॉयस में थोड़ा ठीक ढंग से समझेंगे जब हु का उसमें यूज होगा, तो विच ट्रेन विल यू गो टू लखनऊ बाई, ने बाई एंड में लगा दिया, इसको भूलेंगे नहीं, लगाना जरूरी होता है, तो इसमें यू नहीं लगाते, विच ट्रेन विल गो टू लखनऊ, तो इसका मतलब होगा कौन सी गाड़ी लखनऊ जाएगी, तो किस गाड़ी से आप जाओगे तो बाई लगाना आपको जरूरी है, क्योंकि जहाँ आप रहे हो गाड़ी तो जा रही है आपके उसके साथ जा रहे हो। यहाँ इंडेफिनिट सभी खत्म होते हैं, इंडेफिनिट सबसे बोरिंग कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है,